हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा मापन के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, मनोविज्ञान यह मनुष्य के व्यवहार का तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने वाला शास्त्र है। मनोविज्ञान के अभ्यास विषय में मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को लेकर ऐसे कई उद्दीपक संशोधन में निहित होते हैं जिन उद्दीपकों का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु बहुत सारे मनुष्य की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं होती है जो उसके तरफ बाहर से देखकर हम जिनका अनुमान नहीं लगा सकते। मनुष्य के व्यवहार के कुछ घटक ऐसे होते हैं जो हमें बाहर दिखते हैं, जैसे कि उसका उठना बैठना, उसका बोलना, उसका व्यवहार जो बाह्य रूप से दिखाई देता है, या व्यक्तित्व के कुछ गुण होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत सारे घटक या बहुत सारी मनुष्य की विशेषताएं ऐसी होती है जो आंतरिक विशेषताएं होती है, अर्थात ऐसे गुण जो व्यक्ति के अंदर होते हैं जिनका हम बाहर से सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन उनका मापन, निश्चित वस्तुनिष्ठ मापन हम बाहर से नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कुछ विशेषताएं हैं जैसे बुद्धि। व्यक्ति के व्यवहार में उसके बुद्धि का उपयोग हमें दिखाई देता है, या व्यक्ति को किसी विषय में रुचि है या उसके व्यवहार से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसका वस्तुनिष्ठ तरीके से हम मापन नहीं कर सकते। और इसीलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को बनाया जाता है और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग इसी प्रकार के आंतरिक गुणों तथा विशेषताओं के मापन के लिए होता है। मनोविज्ञान की जिस शाखा में इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किए जाते हैं या उनके मापन के अलग अलग विधियों पर काम होता है या परीक्षणों के उपयोग पर काम होता है, मनोविज्ञान की ऐसी शाखा को मनोवैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित शाखा या मनोमितीय मनोविज्ञान, साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी, इस प्रकार से कहा जाता है। तो आगे ट्यूटोरियल देखेंगे मनोविज्ञान के उद्देश्य। जैसा कि मैंने पहले कहा, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार को समझने का शास्त्र है और वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहार की परिभाषा करता है। तो मनुष्य का जो व्यवहार है उसे समझना यह मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है। व्यवहार मनुष्य का किस प्रकार से होता है, उस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उद्दीपक, व्यक्ति और व्यवहार, ये जो सूत्र है SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, ये प्रतिक्रियाएं और व्यवहार किस प्रकार से होता है, व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके व्यक्तित्व विकास की या अनुवंश से उसे प्राप्त, ऐसे बहुत सारे घटक होते हैं जो व्यक्ति व्यवहार को बनाते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक संस्कार है, सामाजिक परिस्थितियां है, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां है जो व्यक्ति के व्यवहार को परिभाषित करती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को समझना ये मनोविज्ञान का प्रथम उद्देश्य है। जब हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार के कारण और घटक निर्धारक अगर हमें ध्यान आ जाए, तो व्यक्ति के व्यवहार को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, इसका संशोधन और अभ्यास करना भी मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है। वर्तमान में व्यक्ति किस प्रकार का वर्तन कर रहा है, इसका जब हम अनुमान कर सकते हैं या इसका इसकी हम कारण मीमांसा कर सकते हैं, तब यही व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में भविष्य में किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसका अनुमान करना यह भी मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की ओर। जैसे मैंने पहले ही कहा, मनुष्य के जो आंतरिक मानसिक गुण या क्षमताएं होती है, उनका परिणाम व्यक्ति के कार्य या व्यवहार में देखा जा सकता है, क्योंकि यह सारी विशेषताएं अमूर्त होती है, अर्थात दृष्टिगोचर नहीं होती। अमूर्त या दृष्टिगोचर, इन शब्दों का तात्पर्य ये है, अमूर्त वो चीजें होती है जो हमें किसी भी आकार में, स्थिति में दिखाई नहीं देती, आंखों को दिखाई नहीं देती। आंखों को दिखाई देने वाली चीजों को कहते हैं दृष्टिगोचर। हमारी जो नजर नजर है उसे कहते हैं दृष्टि। तो मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मेरे सामने कोई सामान रखा है, कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, ये चीजें मैं आंखों से देख सकती हूँ। तो ये ऐसे उद्दीपक है जो दृष्टिगोचर है, अर्थात उन्हें कुछ आकार है, स्थिति है, तो उन्हें कहते हैं मूर्त उद्दीपक। लेकिन मेरी बुद्धि जो कि बाहर से दिखाई नहीं देती, आंखों को दिखाई नहीं देती, मेरा व्यक्तित्व की कोई विशेषता, मेरी अभिक्षमताएं, मेरी रुचि, ये मेरे व्यक्तित्व के अंदर के आंतरिक गुण है, इसलिए वो अमूर्त है, क्योंकि उनका कोई भी आकार नहीं है, उनका कोई रंग रूप नहीं है। तो ऐसी विशेषताओं को अमूर्त विशेषताएं कहा जाता है। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि मनुष्य की आंतरिक मानसिक गुण क्षमताएं अमूर्त होती है, दृष्टिगोचर नहीं होती,
उन विशेषताओं का मापन करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से व्यक्तिगत रूप से भिन्न विशेषताओं का मापन भी संभव है, जैसे कि बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, भावनिक स्थिरता, स्कूली कार्य निष्पादन अर्थात स्कूल में बच्चे का कार्य कैसा है, पढ़ाई अभ्यास कैसा है, संगठनात्मक प्रभाव, काम की जगह पर व्यक्ति का कितना प्रभाव है, ऐसे कई विशेषताओं का मापन इन परीक्षणों से संभव है। पिछले 4 दशकों से मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार करने के और इस्तेमाल करने के विषय में काफी तेजी आई है और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का मापन करना और समूह तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का मापन और अनुमान करना मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से अब अधिक सरल हो गया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इतिहास अगर देखें तो मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं की तरह आज साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी अर्थात मानसिमिति मनोविज्ञान यह एक प्रमुख शाखा है। यह शाखा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण तथा उपयोग के विषय में कार्य करती है। मनोविज्ञान के प्रायोगिक अभ्यास की शुरुआत तब हुई जब 1879 में लिप्सिक ने विलियम वुड ने पहली प्रयोगशाला स्थापन की, इसलिए उन्हें मनोविज्ञान के प्रायोगिक अभ्यास का जनक कहा जाता है। इसी समय में मानसिमिति संस्था की स्थापना हुई 1936 में, इसके अध्यक्ष LL थर्स्टन। 1939 में फिर डेविड वेशलर ने 19वीं सदी में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल शुरू हुआ। डेविड वेशलर ने 1939 में एक परीक्षण बनाया था। सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन तथा जेम्स कैटल ने जो परीक्षण बनाए उसे प्रयोगशाला से बाहर मनोवैज्ञानिक मापन की शुरुआत हुई। 1960 तक उन परीक्षणों में कुछ सुधार किए गए और उन्हें बेहतर बनाया गया। यह परीक्षण साइमन बिने परीक्षणों की तुलना में अभी अधिक प्रभावित साबित हुए और आगे उनकी कई आवृत्तियां भी बनी। वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन अर्थात वेशलर द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण, यह आज भी बहुत उपयोगी और प्रमाण मापदंड माना जाता है। बुद्धि परीक्षणों के साथ साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान जो कि 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ व्यक्तित्व मापन की भी शुरुआत हुई थी। वुडवर्थ के बाद रेमंड कैटल ने 16 PF अर्थात व्यक्तित्व के 16 घटकों को मापन करने वाला एक परीक्षण बनाया। ये सभी परीक्षण आज भी व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होते हैं। बुद्धि, व्यक्तित्व, इन विशेषताओं के साथ साथ अभिक्षमता, अभिरुचि, कार्य निष्पादन, भावनिक स्थिरता, भावनिक बुद्धि, व्यवसाय रुचि, करियर का चुनाव, मानसिक आरोग्य, इन कई विशेषताओं को लेकर मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए जा रहे हैं और इस दिशा में अधिक संशोधन भी जारी है। आज के समय में तकनीकी विकास के चलते मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनने लगे हैं ऐसे जिन्हें कंप्यूटर पर ऑनलाइन भी हल किया जा सकता है। इस मनोवैज्ञानिक मापनियों का इतिहास काफी लंबा और रोचक है। अब देखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो कि एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम किसे कह सकते हैं, इसलिए उसमें कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक है, ये जानना मनोविज्ञान के अभ्यासक के नाते हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जानना इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि आजकल इंटरनेट के जमाने में आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन ऐसी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण या बहुत सारे ऐसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण मिलेंगे जिनमें कुछ विधान दिए होते हैं, आप उनको हल कर लीजिए तो आपके व्यक्तित्व या बुद्धि को लेकर कुछ निष्कर्ष वो परीक्षण बताता है, किंतु वह परीक्षण एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है या नहीं और उनमें ये सारी विशेषताएं है या नहीं जिसके आधार पर उसके निष्कर्षों को हम प्रमुख माने और किसी प्रकार के निर्णय के लिए उपयोग उनका करें, यह हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए हमने यह आग्रह रखना चाहिए कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रमाणित है जिनमें ये सारी विशेषताएं हैं, ऐसे ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण का हम किसी के मनोवैज्ञानिक मापन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये विशेषताएं होती है, एक है वैधता, विश्वसनीयता, मानकीकरण, विभेदनशीलन और मानक। अब इन्हें डिटेल में देखेंगे। पहली विशेषता है वैधता। किसी परीक्षण की वैधता का आशय उसकी सत्यता का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वो परीक्षण वैध कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक परीक्षण कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के गणित विषय के लिए बनाया गया है और वह परीक्षण कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के गणित की योग्यता का ठीक प्रकार से मापन करता है तो हम उस परीक्षण को वैध परीक्षण कहेंगे। अर्थात परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य को वह परीक्षण पूरा करता है। मान के चलिए कि एक व्यक्तित्व परीक्षण बनाया गया है कि व्यक्ति अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है जानने के लिए,
किंतु परीक्षण में व्यक्तित्व से संबंधित विधान होने चाहिए, उसकी जगह बुद्धि के मापन करने वाले या व्यक्ति की सामाजिकता का मापन करने वाले विधान है, तो ऐसा परीक्षण कभी भी व्यक्तित्व के विशेषताओं का मापन नहीं कर पाएगा, तो वह एक वैध परीक्षण नहीं होगा। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व परीक्षण में विधान ऐसे होंगे जो व्यक्ति कितना अंतर्मुखी है, कितना घुल मिलता है, कितना अपने से समय बिताता है, इस प्रकार के विधान होंगे, तभी वह वैध रूप से अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो इसे कहते हैं वैधता। दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता। यदि किसी परीक्षण को बार बार प्रयुक्त से करवाया जाए और हर बार समान अंक प्राप्त हो तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति पर बुद्धि परीक्षण 5 बार किया गया, एक ही व्यक्ति पर 5 बार किया गया कुछ समय के अंतराल के पश्चात, और हर बार प्राप्तांक 110 ही आया, बुद्धि गुणांक उसका 110 ही आया, तो ये कह सकते हैं कि परीक्षण विश्वसनीय है क्योंकि 5 बार प्राप्त अंकों में पूर्णतः स्थिरता है। किसी भी परीक्षण का विश्वसनीय होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी एक ही व्यक्ति को हमें एक से अधिक बार परीक्षण देने की आवश्यकता हो सकती है, कभी एक ही विशेषता को दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक एक ही प्रयुक्त के लिए उनका मापन कर सकते हैं। तो एक परीक्षण किया, आज किया तो अलग रिजल्ट, कल किया तो अलग रिजल्ट, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद किया तो वो कुछ अलग ही रिजल्ट दे रहा है, इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं है। कोई परीक्षण अगर किसी एक व्यक्ति पर उसी प्रकार के निष्कर्ष बार बार किसी भी समय के अंतराल के बाद भी देता है तभी उसे विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। तीसरी विशेषता है मानकीकरण। मानकीकरण का अर्थ है परीक्षण का प्रशासन, मतलब उसे कैसे उपयोग में लाना है, उसकी विधि, मूल्यांकन आदि में समरूप विधियों का उपयोग हो जिससे मानक निर्धारित हो। परीक्षण का मानकीकृत होना आवश्यक है। जो परीक्षण मानकीकृत नहीं होते उससे न तो शुद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं और इस प्रकार के परीक्षण अधिक उपयोग में भी नहीं लाए जाते। परीक्षण के मानकीकरण की प्रक्रिया में मानक निर्धारित किए जाते हैं। एक विशेष समूह के प्रतिनिधि औसत मूल्य या मूल्यों के सेट ही मानक होते हैं। एक मानकीकृत परीक्षण की प्रक्रिया, प्रशासन, फलांकन आदि सभी निश्चित तथा समरूप होते हैं। कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रमाणित होना बहुत आवश्यक है। प्रमाणित से हमें तात्पर्य यह है कि वह परीक्षण किस प्रकार से इस्तेमाल लायक किया जाए, कितना समय प्रयुक्त को देना है, निगेटिव मार्किंग करना है या नहीं, कौन से एज ग्रुप के लिए वो परीक्षण बना है, फिर उसका गुणांकन करने की विधि क्या है, उसमें उसी प्रकार की विधि का इस्तेमाल होने का आग्रह होना चाहिए, गुण कैसे निकाले जाए, फिर कुछ नॉर्म्स उसमें होना आवश्यक होता है क्योंकि कोई भी परीक्षण जब बनता है तब वो बहुत बड़ी जनसंख्या के प्रातिनिधिक समूह पर सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है जिससे निष्कर्षों की खोजबीन होती है। निष्कर्षों के आधार पर उस समूह के लिए विशेष आयु के हिसाब से या लिंग के हिसाब से, मतलब लड़कियों के लिए इस प्रकार के नॉर्म्स, लड़कों के लिए इस प्रकार से नॉर्म, इस एज ग्रुप के लिए 18 के नीचे एज ग्रुप है तो उसके लिए अलग नॉर्म, 18 के ऊपर अगर बच्चे हैं तो उसके लिए अलग नॉर्म्स, इस प्रकार के उसके मानक बनाए जाते हैं। जब विधि, गुणांकन, मानक ये सारी चीजें प्रमाणित रूप से किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में होती है तभी वह एक अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहा जा सकता है। चौथी विशेषता है विभेदनशीलता। कोई परीक्षण उस समय विभेदीकृत होता है जब वह कार्य या निष्पत्ति में अंतर स्पष्ट कर सके। परीक्षण की विभेदनशीलता ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण में सभी प्रकार के पद हो, अर्थात कुछ पद ऐसे होने चाहिए जो केवल उच्च श्रेणी के छात्र कर सके, कुछ ऐसे होने चाहिए जो मध्यम श्रेणी के छात्रों के लिए हो और कुछ निम्न श्रेणी के छात्रों के लिए हो। परीक्षण में जो जिस प्रकार के विधान या समस्याएं होती हैं उनमें स्पष्ट रूप से विभेदन कर सके हम, क्योंकि अगर वह एक सामान्य या प्रतिभाशाली या सामान्य से कम क्षमता के व्यक्ति के लिए भी है तो उसमें उस प्रकार का भेद हमें कर पाना होना आवश्यक होता है। चौथा है मानक। पांचवी विशेषता है मानक। मानकीकरण की प्रक्रिया द्वारा मानक प्राप्त किए जाते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि मूल प्राप्तांक उतने सार्थक नहीं होते जितने मानक प्राप्तांक, मतलब परीक्षण के मिले सिर्फ गुण ज्यादा निष्कर्ष नहीं बता सकते हैं जब तक हम उन्हें मानक के साथ उनकी तुलना न करें। जब किसी परीक्षण के मानक ज्ञात करने होते हैं तो परीक्षण को सर्वप्रथम एक सबसे बड़े समूह पर प्रशासित किया जाता है और परीक्षण का फलांकन किया जाता है। परीक्षण के मूल प्राप्तांकों से सांख्यिकीय गणनाओं की सहायता से फिर मानक ज्ञात किए जाते हैं
तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रमाणिक परीक्षण वही होता है जिसमें मानक हो, मानकों के साथ व्यक्ति के गुणों की तुलना कर ही हम उस व्यक्ति की क्षमता के बारे में कोई निष्कर्ष निर्धारित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपयोग। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग मानसिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संशोधन में किया जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, जिसे व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। व्यक्ति भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अच्छा इस्तेमाल होता है। बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, शैक्षणिक उपलब्धता, व्यावसायिक पात्रता, व्यक्तित्व, कार्य प्रेरणा, ऐसे विविध विशेषताओं का मापन यह मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सबसे अहम उपयोग है। व्यावसायिक क्षेत्र में कर्मचारियों से संबंधित विशेषताओं का मापन करने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का इस्तेमाल होता है। करियर के विषय में भी चुनाव करते समय छात्राओं तथा अभिभावकों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत ही उपयोगी है। जो बच्चे मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से दिव्यांग होते हैं, उनकी क्षमताओं को या अक्षमता का स्तर या प्रमाण निश्चित करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जरूरी होते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के चार प्रकार बताए जा सकते हैं। पहला प्रकार है भाषिक। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं जिनमें शब्दों पर आधारित विधान या प्रश्न या समस्याएं होती है, अर्थात भाषा का उपयोग होता है। दूसरा प्रकार है अभाषिक, अर्थात ऐसे विधान होते हैं जिनमें भाषा का उपयोग नहीं होता, किंतु कुछ आकृतियां, चिन्ह, संकेत, इस प्रकार की समस्याएं या विधान दिए जाते हैं। तीसरा प्रकार है व्यक्तिगत। ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्तिगत होते हैं जो एक बार में एक ही प्रयुक्त उसे हल कर सके, और सामूहिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह होते हैं जो एक समय व्यक्ति या संशोधनकर्ता या मनोवैज्ञानिक एक समय एक से अधिक ग्रुप को या समूह को करवा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे बुद्धिमत्ता परीक्षणों में प्रागतिक संघात परीक्षण या कोह का बुद्धि परीक्षण या अलेक्जेंडर का बुद्धि परीक्षण आपको पता है। अभिवृत्ति परीक्षणों में आधुनिकता अभिवृत्ति परीक्षण आपको पता है। अभिक्षमता परीक्षणों में भेदनिक अभिक्षमता परीक्षण या DBDA ये महत्वपूर्ण परीक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षणों में भी अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व परीक्षण या 16 PF मतलब 16 घटकों वाला व्यक्तित्व परीक्षण, यह है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के संबंधित कुछ जानकारी। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें, उसके जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद।